अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? उम्मीद यही, दुआ यही कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और हर दिन आप लोगों के बहुत अच्छे गुजरें हर वीक के साथ। और आज का मौजू जो है बहुत ही अच्छा है, जो कि हर घर में ये प्रॉब्लम होती है कि दांतों की, जितना भी टूथपेस्ट या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं दांत साफ़ नहीं होते हैं। तो अपने दांतों को चमकदार करने के लिए और सफ़ेद करने के लिए और जिनके दांतों पे मैल हो उसे साफ़ करने के लिए बहुत आसान रेमेडी लेकर आया हूँ मैं। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके दांतों में आपको कितना फ़ायदा हुआ है। और इसकी पूरी डिस्कस बताऊँगा मैं। मेरा नाम हकीम शाह नज़ीर है और मेरी फेसबुक आईडी है हकीम शाह नज़ीर, मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है हकीम शाह नज़ीर और मेरे यूट्यूब चैनल की आईडी है हकीम शाह नज़ीर। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोस मिलती रहें। और मेरे फेसबुक को भी लाइक कीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं ये तमाम रेमेडीज़ अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अपलोड करता रहता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं आज दांतों में जैसे ब्रश करने से भी कभी कभी दांतों में से खून आ जाता है और इसके अलावा दांत साफ़ नहीं होते हैं और स्वेल स्वेल सी महसूस होती है, सूजन सूजन सी, ये उसको भी ठीक करेगी और मुंह की स्मेल को भी ख़त्म करेगी। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आइए मैं आपको रेमेडी की तरफ ले चलता हूँ। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें जो आपके घर पे भी मौजूद होती हैं, ये है लौंग। ये देखें लौंग है, ये लौंग, ये इसका पाउडर है। आपने सारी चीज़ें बराबर वज़न लेनी है, ठीक है। लौंग अगर आप वज़न के हिसाब से जाएं, आप 20-20 ग्राम ले लें, 50-50 ग्राम ले लें सारी। ये है दंदासा, अखरोट के छिलके का दंदासा, आप कोई सा भी दंदासा डाल सकते हैं। ये इसका पाउडर है, ठीक है, इसका वज़न भी लेना है आपने बराबर 20 ग्राम। ये बूटी है नागर मोथा, देखें आप नागर मोथा, ये तिब्बे नबी में इसका बहुत जिक्र किया गया दांतों के मुतल्लिक, नागर मोथा, ये उसका पाउडर है, इसका वज़न भी 20 ग्राम है। ये है माजू फल, माजू फल, ये इसका पाउडर है, इसका वज़न भी 20 ग्राम है। ये लाहौरी नमक है, देखें लाहौरी नमक, ये साबुत है और ये वाला इसका पाउडर है। सेम क्वांटिटी लेनी है आपने, 10-10 ग्राम भी ले सकते हैं, 20-20 ग्राम भी, 50-50 ग्राम भी, घर पे ज़्यादा अफराद हैं आप 100-100 ग्राम ले लें। ये समंदरी झाग है, ये शीशा साफ़ करती है, इसी तरह दांत भी साफ़ करती है और इसे चेहरे पे भी इस्तेमाल करते हैं फेयरनेस के लिए। आप इन चीज़ों को नोट दोबारा कर लीजिएगा, लौंग है, दारचीनी है, नागर मोथा है और माजू फल है, लाहौरी नमक है और समंदरी झाग है। इस तरीके से मिलाकर आप इसे एक ही मशीन में डाल दें साबुत और ऐसे पाउडर बन जाएगा ये, ठीक है। और आपने ये अपने दांतों पे इसका मंजन करना है दिन में 2 बार, 1 मिनट लगा के रखें, उसके बाद मंजन करके आप कुल्ली कर लें। आप देखिएगा कि एक बार इस्तेमाल करने से आपको कितनी बेहतरी मिलती है और दांतों में ठंडक का एहसास भी होगा। अगर दांतों में दर्द होता हो ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है और मुंह की स्मेल को भी ये ख़त्म करती है ये। और बहरहाल जिस तरीके से ये बनी है, आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत कीमती होती है कि जब आप लोग ये यूज़ करते हैं और मुझे बताते हैं कि आपको कितनी शफा मिली और कितना फ़ायदा हुआ है, तो वो मेरे लिए खुशी का मुकाम होता है। और दूसरी चीज़, यानी कोई भी चीज़ आपको मुझे बतानी हो कि मैं किस चीज़ की वीडियो बनाऊँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस मर्ज की ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और जिस तरीके से मैंने पहले अर्ज़ किया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मुझसे कुछ बात करना चाहते हों, तो मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 03212123429, 03212123429, 03002588340, यानी 03002588340, 03013381332, 03013381332, और इंटरनेशनल कॉलर्स 00928 कर लें। मेरा नाम हकीम शाह नज़ीर है और मेरे यूट्यूब चैनल की आईडी है हकीम शाह नज़ीर,
मेरे फेसबुक की आईडी है हकीम शाह नज़ीर और इंस्टाग्राम की आईडी भी है हकीम शाह नज़ीर। नज़ीर की स्पेलिंग है NAZIR। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें और फेसबुक को भी लाइक करें, क्योंकि ये सारी रेमेडीज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ। अल्लाह पाक औलाद गम से महफूज रखे और अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।